Assalamualaikum Alaikum everyone, how are you all? आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ फाइन आई एम हेयर विद अनदर लेक्चर माई लेक्चर नंबर इज़ वन हंड्रेड एंड थर्टी टू फॉर क्लास टेंथ जिसमें मैं यूनिट नंबर सिक्सटीन केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात कर रही हूँ केमिकल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो हम कुछ केमिकल्स की प्रोडक्शन uh, के बारे में इसमें पढ़ रहे हैं कि किस तरह से केमिकल्स को मैनुफेक्चर किया जाता है प्रोड्यूस किया जाता है बाई डिफ़रेंट प्रोसेस ऑन अ मैस लेवल पे, बहुत ज़्यादा लेवल पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब केमिकल्स को प्रोड्यूस किया जाता है ऐसे केमिकल्स जो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं जो बहुत सारे डिफरेंट रिएक्शंस में काम आते हैं बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने में काम आते हैं उन सब केमिकल्स को जिस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है हम इस चैप्टर में उन चीज़ों के बारे में उन प्रोसेस के बारे में इंट्रोडक्शन पा रहे हैं इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द पेट्रोलियम इंडस्ट्री पेट्रोलियम क्या है इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल जो कि हमें बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ से मिलता है हम इसे ऑप्टेन करते हैं बाय डिगिंग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ अब पेट्रोलियम जब मिलता है तो इट इज़ इन नॉट इन द प्योर फॉर्म यानी जिस तरह से हमें चाहिए पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स हैं हमें डायरेक्टली वो अर्थ के सरफेस में से नहीं मिलती हैं बल्कि हमें मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेस से गुजार के उनको प्योरीफाई करना होता है उनको डिफरेंट फ्रैक्शन में ब्रेक डाउन करना होता है और अपनी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट उसमें से करनी होती है सो दिस ऑल द प्रोसेस दैट आर गोइंग ऑन वो जो पूरी इंडस्ट्रीज़ होंगी जो पूरा इंडस्ट्रियल यूनिट होगा उसे हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं सो पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बारे में स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वॉट इज़ पेट्रोलियम पेट्रोलियम है क्या सो so पेट्रोलियम की जब हम बात करते हैं इट इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट ये नेचुरल प्रोडक्ट है कुदरती तौर पे बनता है इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी प्रोड्यूस्ड और ये सिंथेसाइज नहीं हो सकता यानी कि हम लैब में इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते इट इज़ फाउंड अंडर द अर्थ सरफेस एंड जैसे हम लोग कहेंगे अर्थ क्रस्ट जो है अर्थ क्रस्ट के अंडर उसके नीचे हमें डिक करके इसको ऑबटेन करना पड़ता है एंड इट इज़ ट्रैप्ड इन इन द रॉक्स जो अर्थ के सरफेस के नीचे देर इज सॉयल दैन देर इज़ रॉक्स एंड अदर मटेरियल तो रॉक्स के अंदर ये पेट्रोलियम जो है उनके दरमियान में ये ट्रैप हुआ हुआ है पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है पेट्रोलियम का मतलब होता है रॉक ऑयल क्योंकि ये एक ऑयली नेचर का है and uh, it is produced from the rocks it is obtained from the rocks not produced it is obtained from the rocks jisme ye trap hua hua hai from under the surface of the earth to तो iska rock oil bhi kehte hain aur rock oil ka dusra naam petroleum bhi hai petroleum ka matlab hi rock oil hai अगर हम इसकी नेचर के बारे में बात करें कि petroleum है क्या ये क्या चीज़ है कौन सा chemical है कौन सा substance है तो actually it is a complex mixture of several gases. Liquid and Solid. पेट्रोलियम जो है इसके अंदर तमाम जो सॉलि मैटर हैं स्टेट्स की वो तमाम के तमाम पाई जाती हैं यानी कि सॉलिड फॉर्म में भी मिलेगा इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है और गैशियस फॉर्म में भी मिलता है और इसके अंदर मेनली जो केमिकल का ग्रुप है जो हमें मिलता है दो हज़ार हाइड्रोकार्बनस हाइड्रोकार्बन जिसमें एलिफेटिक एरोमेटिक सारे कंपाउंड आते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के प्रोडक्ट्स बने होते हैं एक दूसरे के साथ इन्होंने बॉन्ड बनाया होता है तो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं बेसिकली इसमें जो है मुख्तलिफ वैरायटी में हाइड्रोकार्बनस पाए जाते हैं पेट्रोलियम के अंदर और थ्रू पासिंग द पेट्रोलियम थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस जैसे कि हो जाए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है हम लोग मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बन्स को अपटेन कर सकते हैं हासिल कर सकते हैं पेट्रोलीम में से इसके अलावा पेट्रोलीम के अंदर हाइड्रोकारबनस के अलावा वाटर है कुछ सॉल्ट्स पाए जाते हैं और अर्थ के पार्टिकल्स पाए जाते हैं बिकॉज इट इज़ ट्रैप्ड अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ तो इसीलिए लिए अर्थ जहाँ पे उसके अंदर ट्रैप है वहाँ ऑफ कोर्स अर्थ की जो इर्द गिर्द के कुछ पार्टिकल्स हैं जैसे सॉक रॉक्स uh, हो गए उसके अलावा सॉयल है उनके स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं वो पेट्रोलियम के अंदर पाए जाएंगे सो so, पेट्रोलियम को जब प्रोड्यूस uh, किया जाता है पेट्रोलियम को जब प्योरीफाई uh, किया जाता है तो इसके अंदर से तमाम इम्प्योरिटी जो कि इसके अंदर एडिड हैं उनको रिमूव किया जाता है प्योरीफाई करने के बाद इसको मुख्तलिफ हिस्सों में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है ताकि हमें इसमें से अपने रिक्वायर्ड जो प्रोडक्ट है हम उसको हासिल कर सकें अगर हम बात करते हैं इसकी नेचर की तो दिस पेट्रोलियम इट इज़ लाइटर देन वाटर यानी अगर हम वाटर और पेट्रोलियम की डेंसिटी को कंपेयर करते हैं तो वाटर की डेंसिटी हैवी है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोलियम तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप वाटर और पेट्रोलियम को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं तो दे विल नॉट गेट डिजोल्व विद ईच अदर ये एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे बल्कि पेट्रोलियम क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है यानी कि इसका वज़न कम है दैट इज़ वाई इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगा तैरेगा और ये जिस तरह एक ऑयल आप नॉर्मल घर में जो कुकिंग ऑयल है वो एक एग्जाम्पल है कि अगर वाटर एंड ऑयल को मिक्स करते हैं दे डो नॉट गेट मिक्स विद ईच अदर वो ऑयल जो है इट्स फ्लोट्स ऑन द सरफेस तो इसी तरह आप कंपेयर कर लें पेट्रोलियम और वाटर को कि पेट्रोलियम जो है ये भी ऑयली नेचर का है बट इट इज़ नॉट दैट ऑयल जो कि हमारे घरों में इस्तेमाल होता है ये भी ऑयली नेचर का है ये भी वाटर के अंदर मिक्स नहीं हो सकता और ये वाटर की सरफेस के ऊपर तैरता है इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर तो यहाँ तक हो गया इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि ये नेचुरल प्रोडक्ट है अर्थ के क्रस्ट के अंदर पाया जाता है पेट्रोलियम का मतलब होता है रॉक ऑयल क्योंकि ये जो ऑयली सब्सटेंस है ये हमें रॉक्स के अंदर से मिलता है हम इसमें से हासिल करते हैं इसके अंदर सॉलिड पेट्रोलियम uh, जो है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैशियस मैटर जिसके अंदर मेनली हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जब हम पेट्रोलियम को सरफेस अर्थ की सरफेस के नीचे से ऑप्टेन करते हैं तो हाइड्रोकार्बन के अलावा इसके साथ वाटर भी मिक्स हुआ आता है इसके साथ अर्थ के पार्टिकल्स लाइक रॉक्स एंड सॉयल वो भी मिक्स हुए होते हैं एज एन एम्प्योरिटी तो जब हम लोग पेट्रोलियम को यूज़ करेंगे तो पहले इसको प्योरीफाई किया जाता है फिर इसको ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉल डिफरेंट पार्ट्स में कि जिस तरह से हमें इसको यूज़ करना है उसके अलावा एंड पे क्या है कि पेट्रोलियम जो है इसकी और वाटर की एक दूसरे के साथ इनसोलीबल हैं दोनों एक दूसरे के साथ डिज़ोल्व नहीं हो सकते पेट्रोलियम की डेंसिटी जो है वो वाटर से बहुत कम है इसीलिए इट फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करता है तैरता है सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ बउट पेट्रोलियम के पेट्रोलियम होता क्या है अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दैट इज द ऑरिजिन ऑफ पेट्रोलियम के ऑरिजिन मिलता कहाँ से है बनता कैसे है हासिल कहाँ से होता है किस तरह से हासिल किया जाता है इस बारे में हम लोग ऑरिजिन में पढ़ेंगे बात करते हैं जब ओरिजिन की तो मैंने जिस तरह से अभी अपनी प्रीवियस इसमें टॉपिक में बताया कि पेट्रोलियम जो है ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है सिंथेसाइज़ नहीं किया जा सकता लैब्स में इंसान इसको ख़ुद से नहीं बना सकते ये एक कुदरती तौर पे बनने वाली चीज़ है और इसको बनने में लाखों तक लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं किस तरह से बनता है कि जो एनिमल्स हैं प्लांट्स हैं उनकी जो डेड बॉडीज़ होती हैं जब वो अर्थ के सरफेस में बरी हो जाती हैं वैन दे गो अंडर द सर्फेस वन दे आर बर वो अर्थ के सरफेस के अंदर दबती चली जाती हैं तो जिस तरह जिस तरह उसके ऊपर मजीद लेयर्स अर्थ की बनती जाएंगी उसके ऊपर प्रेशर जो डेड बॉडीज़ हैं प्लांट्स के एनिमल्स के उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है हीट बढ़ती जाती है और आहिस्ता आहिस्ता लाखों साल लेते हुए इतना टाइम लेते हुए जो उनकी डेड बॉडीज़ हैं स्लोली दे कन्वर्ट इन टू दिस पेट्रोलियम वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो पेट्रोलियम क्या है बेसिकली हम ये कहेंगे इट इज़ फॉर्म्ड बाई द डी कम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डी कम्पोजिशन क्या है कि जब ये प्रॉपरली डी कम्पोज होती हैं जब इनके अंदर अर्थ की सरफेस के अंदर जब ये दफ़न हो जाती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज़ तो वो जब डीकम्पोज होती हैं बैक्टीरियल एक्शन की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्शन की वजह से जब वो गलना सड़ना शुरू हो जाएँ और उसके ऊपर मज़दीद दफ़न हो हो जाएँ वह मज़ीद अर्थ की सरफेस के अंदर गहराई तक जाते जाएं आ, तो उसके वजह से इन डेड बॉडीज के ऊपर प्रेशर इंक्रीज होता जाता है अर्थ की तरफ से टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है और एक वक्त आता है कि अर्थ की क्रस्ट के अंदर बरी होते हुए दे विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर लाखों तक साल लेते हैं टू तो बी कन्वर्टेड इनटू द पेट्रोलियम Uh, अब तक ये माना जाता है कि जो अभी तक पेट्रोलियम के जितना भी ज़रा हैं जो हमारे अर्थ की सरफेस के अंदर प्रेजेंट है इट इज़ बिलीव के मिलियंस ऑफ ईयर अगो आज से लाखों करोड़ों साल पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स थे जैसे कि प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो जो ख़ास तौर पे सीज़ में यानी कि ओशन्स वगैरह में समंदरों में जिनकी डेथ हुई थी दे डाइड दे और जब डेथ हुई है तो दे बर दे वेंट टू बॉटम ऑफ द सी और वहाँ पे उनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता लेयर चढ़ती चली गई सॉइल की जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ तक पहुँच चुके थे और जैसे जैसे वो डीप जा रहे हैं अर्थ की सरफेस में उनके ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है और स्लोली जो है इनके ऊपर कवरिंग बढ़ती जा रही है मड एंड सैंड की अब जब इनके ऊपर कवरिंग हो गई है मड एंड सैंड की तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है अब डिकम्पोजिशन का प्रोसेस दो तरीके से हो सकता है या तो एयर की मौजूदगी में हो या एयर की गैर मौजूदगी एयर की एब्सेंस में हो जब एयर की मौजूदगी में होता है तो वो डीकम्पोजिशन की वजह से बॉडीज़ बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाती हैं लेकिन अभी जो हम केस पढ़ रहे हैं जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स की जो डेड बॉडीज़ हैं दैट आर बरेड इन द सी और वहाँ पर उनके ऊपर लेयर्स बनती चली गई हैं मड की सैंड की अब यहाँ पे ऑब्वियसली एयर कट ऑफ हो चुकी है माइक जो ये डेड बॉडीज़ हैं इनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं जो कि अपना एक्शन कर रहे हैं जो कि अपना तरफ से ब्रेक डाउन स्टार्ट कर रहे हैं डीकम्पोजिशन स्टार्ट कर रहे हैं बट वहाँ पे जो कि एयर की सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है एयर टोटली कट ऑफ़ है तो यहाँ पे जो डीकम्पोजिशन होगी दैट विल बी एन अरोपिक यानी कि बिल्कुल हवा की गैर मौजूदगी में कोई भी ऑक्सीजन कोई भी हवा वहाँ पे मौजूद नहीं होगी पहली कंडीशन हो गई है डिकम्पोजिशन के लिए कि ये एन एरोबिक है विदाउट दी ऑक्सीजन दूसरी बात जिस तरह के मैंने बताया कि देर इज़ अ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं जैसे जैसे ये डेड बॉडीज़ अर्थ की सरफेस के डेप्थ में चली जाती हैं और उसके अलावा यहाँ पे माइक्रो ऑर्गैनिज्म के साथ साथ बैक्टीरियल इफेक्ट भी होते हैं कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि इन डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं इन सब चीज़ों के एक्शन की वजह से ये जो डिकम्पोजिशन होती है दैट इज द डिफरेंट वन दैट एज कम्पेयर टू वन दैट इज़ अखरिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ ये डिकम्पोजिशन ये डिफरेंट होगी उस डिकीकम्पोजिशन से जो कि अर्थ की सरफेस के ऊपर हो रही है जहाँ पे हवा मौजूद है एयर की सप्लाई है वहाँ पे एरोबिक रेस्पारेशन होगी वहाँ पे टेम्परेचर इतना हाई नहीं होगा जितना हमारे अर्थ के सरफेस पे है जहां पे हम सरवाइव करते हैं उतना ही टेम्परेचर होगा प्रेशर बहुत हाई नहीं होगा तो वो डिकम्पोजिशन डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ हो रही है वो काफी डिफरेंट होगी इस डिकम्पोजिशन से जो कि आप इर्दगिर्द देख सकते हैं तो ये जो एनारोबिक डिकम्पोज़िशन है ये इसकी वजह से ये पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं लेकिन ये एक फ़ास्ट प्रोसेस नहीं है बल्कि बहुत स्लो प्रोसेस है इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर द कंप्लीशन। लाखों के तादाद में साल लग जाते हैं ताकि ये प्रोसेस ताकि वो पूरी की पूरी डेड बॉडीज जो हैं पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो सकें दस आ, जो रिमेन्स हैं यानी कि जो बकाया बचा कुछ हिस्सा है डेड बॉडीज़ का डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स एंड डेड बॉडीज़ ऑफ़ एनिमल्स वो एक आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ लाखों साल लेते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता एक डार्क ब्राउनिश विस्कर्स मटेरियल में प्रोड्यूस हो गया था कन्वर्ट हो गई थी ये डेड बॉडीज़ और इस मटेरियल को हम लोग क्रूड ऑयल का नाम देते हैं डार्क ब्राउन कलर का है विस्कस है इसमें विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है ऑयली प्रोडक्ट है जिसे हम लोग क्रूड ऑयल कहते हैं ये जो क्रूड ऑयल है इट इस ट्रैप बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ इम्परवियस रॉक्स ये दो लेयर्स हैं इम्परवियस रॉक्स की उनके दरमियान में ट्रैप होता है और यहीं से हम जो है इसको ऑप्टेन करते हैं बाई डिगिंग टू दो रॉक्स जिस रॉक्स के अंदर ये ट्रैप है वहाँ तक पहुँच के डिगिंग के थ्रू ह्यूमन बींग्स जो हैं इस क्रूड ऑयल को यहाँ से निकाल लेते हैं और उसको मुख्तलिफ़ प्रोसेस से गुजारते हुए डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो दिस वॉज अब अबाउट द ऑरिजिन ऑफ पेट्रोलीम के किस तरह से जो डेड बॉडीज़ हैं एनीमल्स की प्लांट्स की वो बनती हैं कन्वर्ट हो जाती हैं इन द पेट्रोलियम और क्यों ये डिकम्पोजिशन जो है डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द डोम्पोजिशन जो कि हम अपने अर्थ के सरफेस के ऊपर देखते हैं क्योंकि ये एनारोबिक है टेम्परेचर बहुत हाई होता है प्रेशर बहुत हाई है और यहाँ पर बैक्टीरियल जो एक्शन होगा वो इन डेड बॉडीज़ को स्लोली कन्वर्ट कर देता है इनटू टू द पेट्रोलियम सो दिस वाज ऑल अबाउट माय टू डेज़ लेक्चर उम्मीद है आपको समझ आई हो अगर यहाँ तक कोई भी इशू है कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स सेक्शन आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सोन इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन अल्लाह हाफिज़